जानी मानी हरियाणी डांसर और गायिका सपना चौधरी अपनी कला दुनिया को छोड़कर लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का काम करने वाली हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। सपना चौधरी के मथुरा सीट से चुनाव लड़ने की खबर है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी किसी भी उनके चुनाव लड़ने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पे यह चीज बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि सपना चौधरी लड़ सकती हैं कांग्रेस से चुनाव। हम आपको बता दें कि सपना चौधरी के अपोजिट में है हेमा मालिनी। जी हाँ, वही बसंती जो शोले में थी, अब बसंती के और लटके झटके मारने वाली सपना चौधरी के दोनों के झटके आने वाले हैं बहुत जल्द सामने। अगर ये दोनों आमने सामने हो गए तो अब जनता को देखना है कि किसके लटके झटके ज्यादा पसंद आते हैं। हालांकि पहले सपना चौधरी को कांग्रेस की टिकट पर गाजियाबाद से चुनाव लड़ाए जाने की खबर थी, लेकिन पार्टी ने यहां पर किसी अन्य नेता को टिकट दे दिया और लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें पश्चिमी से किसी सीट से उतारा जा सकता है। हालांकि कुछ नेताओं ने भी कह रहे हैं कि सपना चौधरी मथुरा से लोगों की ड्रीम गर्ल के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि कुछ दिन पहले सपना ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की थी, जबकि वो पहले एक दो बार खुद कांग्रेस कार्यालय में भी जा चुकी हैं। सपना चौधरी यानी कि अब लटके छटके छोड़ के राजनीति में अपना मुकद्दर आजमाने निकली हैं सपना चौधरी। सपना ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि नरेंद्र मोदी आप केवल वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं और राहुल गांधी भाजपा को वोट देने के लिए मजबूर कर देते हैं। हालांकि सपना ने कई बार केंद्र सरकार की नीतियों की तारीफ की है, लेकिन ना तो सपना की तरफ से और ना ही कांग्रेस की तरफ से उनके चुनाव लड़ने की बात पुष्टि हुई है। लेकिन हरियाणा के कई नेता चाहते हैं कि सपना हरियाणा में पार्टी का प्रचार करे। लाखों संख्या में प्रशंसक हैं। ये थी SM न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों पे नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो के नीचे घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन खबरें आप पहुंच सकें आपके सबसे पहले।